टॉपिक है वो कैबिनेट ही है कि पीएम मोदी की ओर से पहले जो कैबिनेट डिसाइड की गई थी उस कैबिनेट के जो मंत्री उतरे थे चुनावी मैदान में वो कोई खास असर नहीं दिखा पाए थे और अब भी जो पुराने वाला तेवर है बीजेपी का वही देखने को मिल रहा है इस कैबिनेट में भी। जो ज्यादातर चेहरे हैं वो वही हैं जिन्होंने पिछले कैबिनेट में भी अपनी जिम्मेदारी उसी तौर पर निभाई थी। अब सर यहां पर लगातार विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आगे जो आने वाला समय है बीजेपी के लिए ज्यादा सही नहीं होगा क्योंकि बीजेपी भी अभी तेवर ही दिखा रही है, लेकिन बीजेपी को जमीनी स्तर पर भी सोचनी होगी चीजें। बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचने का कार्य किए देश में, संविधान को बोले खतरे में है, लोकतंत्र को खतरे में बताया, ईवीएम को गाली दिए, लेकिन जनता जनार्दन होती है। जनता ने किस पर विश्वास और भरोसा दिखाया जाता है? एनडीए पर भरोसा दिखा और जताया। 2014 में भी एनडीए की सरकार, 2019 में भी सरकार और 2024 में भी सरकार। हम अपने विपक्ष के मित्र भाई और बहन दोनों लोगों का स्वागत और सम्मान करते हैं। जनता इस लायक बना रखी है कि ये सवाल उठाएंगे, बवाल मचाएंगे। अपनी सरकार में भी यही कार्य किए और जनता जनार्दन ने हमको चुना कि 140 करोड़ जनता के साथ पारदर्शिता से, ईमानदारी से, जवाबदेही से हम जनता के लिए कार्य करें। तो निश्चित तौर पे हमें इनकी बातों पे कम ध्यान देना है और जनता के साथ हम जो वादा करके आए हैं, जिस विश्वास के साथ 10 साल जनता ने जनता के बीच में हम कार्य करते रहे, आज जनता ने जिस तरह से यानी कि एनडीए पर भरोसा जताया है। एसएनजी तारिक जी ने टीम को बधाई भी दी है, मोदी की जो नई टीम है, लेकिन उसी के साथ उन्होंने सवाल भी पूछा है। कुछ नेता है जो कि डिमोशन के लिए काफी ज्यादा चिंतित जरूर दिखाई दिए कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया जा रहा है। ये जो है एक चिंता का सबब बीजेपी के लिए चुनौती भी बन सकता है आने वाले समय में। शिखा जी देखिए, नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, आप कुछ भी कर देंगे। जनता से बड़ा मूल्यांकन कोई नहीं करती है और जनता ने अपने मूल्यांकन में कांग्रेस को भी पराजित कर दिया और समाजवादी पार्टी को तो बेहद पराजित कर दिया। 92 से बनी हुई पार्टी आज तक देश के किसी और कोने में जा नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सरकार बना रही है सहयोगियों के साथ, उस पर आप सवाल उठाएंगे तो अच्छी बात है। आपको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन सवाल अपने पर उठाना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात है कि बहुत सारी पार्टियां जो आपके बाद में निकली और देश में बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सहयोगियों के सहित उनकी सरकार है। तो निश्चित तौर पर जनता जनार्दन होती है। जनता ने जो विश्वास दिखाया वो एनडीए पर दिखाया और इंडिया जो घमंडिया गठबंधन था उसने एक नैरेटिव सेट करने का कार्य किया, उसने लोकतंत्र को खतरे में बताने का कार्य किया, उसने एक चीटिंग यानी कि एसएनजी बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से जो कैबिनेट यहां पर डिसाइड की गई है भरोसे के साथ है और आने वाले समय में यही एनडीए की जो तमाम कार्यक्रम है उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाएंगी, ये आप कहना चाह रहे हैं। इसमें विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर इक्का दुक्का वैर की खबरें सामने आती है, प्रियंका जी, इक्का दुक्का वैर की खबरें जरूर सामने आई है बीजेपी के कुछ नेताओं से कि उनका डिमोशन जरूर किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं जो इस कैबिनेट पर भरोसा जता रहे हैं, एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इन्होंने जो कहा एसएन सिंह जी ने, खुद को देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है वाकई में सही कहा है आज इन्होंने कि इन्हें खुद देखना चाहिए, जैसे कि अमित मालवीया को इन्हें देखना चाहिए कि इनकी आईटी सेल इतनी बेलगाम हो चुकी है कि किसी भी महिला के साथ वो अभद्रता कर सकती है, यौन उत्पीड़न कर सकती है। और हम नहीं कह रहे, इनके खुद के पार्टी के लोगों ने लिखित रूप से उसकी कंप्लेन की है, उस पर ये क्या बोलेंगे? देश ने तो विश्वास किया, पर आपने उनको क्या दिया? विश्वासघात। आपने हाथरस की बेटी के साथ क्या किया? आपने कठुआ में क्या किया? आपने क्या किया जो है अंकिता भंडारी के केस में? आज भी उसकी मां को 2 साल हो गए, न्याय नहीं मिला। इसी इन्हीं हरकतों की वजह से और इसी चाल चरित्र चेहरे की वजह से आज आप जी प्रियंका जी कैबिनेट को लेकर क्या कहेंगे, जो आज कैबिनेट डिसाइड किया है बीजेपी ने? देखिए, कैबिनेट को लेकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अब किसी को विश्वास नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बेदखल हो गए, इनके 16 मंत्री हार गए और उसके बाद किसी भी मंत्रालय में कोई काम होता तो मुझे लग रहा है कि वो तो पीएमओ से ही होता था, तो मंत्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी भी इनका आंतरिक कलह इतना है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो हकीकत में ये कि पूरी तरीके से ये हिली हुई सरकार है और इसकी सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के लोग हैं, लोगों ने आईटी सेल उनको कोसना चालू कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस सनातन की बात करते हैं, उसमें महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। महिलाओं को मां और बहन के रूप में देखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी जिसके लीडर्स
ना महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ना महिलाओं की इज्जत कर रहे हैं, ना उनकी रक्षा कर पा रहे हैं, बल्कि आज लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से इस बलात्कारियों बचाओ पार्टी से अपनी। प्रियंका जी, बीजेपी को तमाम कोसा, एनडीए को तमाम कोसा, बावजूद उसके पीएम पद की शपथ मोदी जी ने ले ली, कैबिनेट एनडीए की बन रही है। देखिए, जो बैसाखी पे सरकार चल रही, कितने दिन चलेगी मुझे नहीं पता, पर हकीकत ये है कि आज ये मोदी गवर्नमेंट की हार है और पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाते थे और अरे मुद्दों पे बात करेंगे नहीं, इनकी सरकार तो ऐसा है कि 10 साल हमने भी सरकार चलाई गठबंधन के साथ, दूसरी सरकार